परीक्षा पे चर्चा का सातवां संस्करण का आयोजन आज भोपाल के सुभाष स्कूल में आयोजन हुआ। एमपी के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह पहुंचे सुभाष स्कूल। बोर्ड परीक्षा को लेकर बच्चों से की चर्चा। स्कूल शिक्षा मंत्री ने पीएम मोदी का लाइव कार्यक्रम बच्चों के साथ देखा। परीक्षा पे चर्चा के लिए मध्य प्रदेश से 27 लाख से अधिक छात्रों और अभिभावकों ने कराया रजिस्ट्रेशन। वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप ने बताया कि परीक्षा का तनाव दूर करने ऐसे कार्यक्रम जरूरी हैं। बच्चा जितना तनाव मुक्त होगा उतना बेहतर काम करेगा। बच्चों को बेहतर वातावरण मिले ये जरूरी है। भ्रामक जानकारी ना पहुंचे, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं सर, क्योंकि बहुत सारे सवाल है सर। कई सोशल साइट्स ऐसी जैसे टेलीग्राम हुआ और इंस्टाग्राम हुआ, जहां पर ग्रुप बने हुए हैं, वहां पर ये दावा किया जाता है कि पेपर यहां पर लीक होगा और पेपर आपको मिलेगा, बकायदा पैसे भी लिए जा रहे हैं। मैं मेरा एक वीडियो देखा होगा आपने, पिछले दिनों मैंने जारी किया है कि बच्चों को किसी इस तरह की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इस तरह के वीडियोस ना तो उन्हें उन पर सोशल साइट्स पर जाना चाहिए ना उनसे जुड़ना चाहिए। इस तरह के उनके जो जुड़ने से क्या है, उनका खुद का नुकसान भी होगा और जो आपराधिक गतिविधि जो सामने वाला कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो भागीदार भी होते हैं। और मैं तो बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ कि ना हमारा जो सिस्टम हम इस बार लेकर आने वाले हैं, ना तो कोई पेपर लीक हो सकता है और ना बच्चों को इस तरह की कोई पेपर की जानकारी कोई पेपर जारी होने के पहले उपलब्ध करा सकता है। बच्चों को भी सजग रहना है और हमने सख्ती भी इस पर करनी है। हम लोग अभी आगे आने वाले समय में इस साल का हमारा जो एजेंडा है उसको हम हर हाल में ट्रांसपेरेंट तरीके से सजगता से बच्चों तक पेपर बगैर लीक हुए पहुँचे इस बात को सचेत होकर कर रहे हैं। लेकिन भविष्य में हम कानून बनाने भी जा रहे हैं। अभी जो कानून है उसको और सख्त करने वाले हैं कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की प्रैक्टिस में शामिल ना हो, केंद्राध्यक्ष भी उससे वंचित नहीं रह सकता। हमारा खुद का सिस्टम भी अगर कहीं से उसमें लीकेज है तो वो भी कानून के दायरे में आएगा, आपराधिक गतिविधि के दायरे में आएगा। हम एक नया कानून आगे आने वाले समय में वर्षाकालीन सत्र में हम लेकर के आएंगे। सर मध्य प्रदेश में स्वाभाविक रूप से हर क्षेत्र में अकेले एग्जाम्स में नहीं बच्चों के लिए ये हम पर भी लागू होता है एज जर्नलिस्ट आप पर भी लागू होता है। हमेशा तनाव से दूर रहना चाहिए, प्रयास ये होना चाहिए हम तनाव से मुक्त रहें। बच्चों को स्वाभाविक रूप से बच्चा जितना तनाव मुक्त होगा मुझे लगता है उतना बेहतर अपनी तरफ से वो परफॉर्म कर पाएगा। आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तृत रूप से व्यापक दृष्टिकोण के साथ पूरे राष्ट्र के हर भाषा हर प्रांत के बच्चों से बात करके जो उनके स्वयं के अनुभव हैं और जीवन में जो उन्हें अनुभव प्राप्त हुए उनको जो शेयर किया है मुझे लगता है बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है अगले आने वाले जीवन में। वो बच्चों को क्यों, उनकी बताई कई चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हमको भी उनका जो अनुभव का लाभ जो है वो भविष्य मिलने वाला है। मध्य प्रदेश में